आइए मेरे मेहरबानों, अब एक बार हिस्सा रहेगा श्रवण कुमार। मेहरबानों, उस समय की बात कि जब तीर्थ कराने के लिए निकल पड़ता है अपने माँ बाप को कंधे पर उठा करके, रास्ते में चलते 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 जब बड़ी दूर निकल जाता है और काफी देर हो जाती है, तो अंधे माता पिता को प्यास लगती है। आज प्यास में व्याकुल अपने पुत्र से पानी लाने की गुहार लगाते हैं। मेहरबानों, आज्ञाकारी श्रवण कुमार आज डोली को रख करके पानी देने चला जाता है, लेकिन वहां आज राजा दशरथ शिकार करने आए हुए थे। जैसे ही श्रवण घड़ा डुबकाता है तो ऐसी आवाज होती है जैसे कोई हिरण पानी पीने आया हो। शब्द वेदी बाण राजा दशरथ छोड़ देते हैं, जो सीधा जाकर के श्रवण कुमार की छाती में घाव कर जाता है। हाय परमात्मा, हे मेरे भगवान, आज ऐसा किसने किया है, एक बेरहम पर तीर चलाया है। मेहरबानों, राजा दशरथ सामने आ जाते हैं, आज हाथ जोड़कर कहता है कि मामा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप अंधे बिलक रहे हैं, उन्हें पानी पिला दीजिए। पानी लेकर के पहुँचते हैं, उन दोनों को आभास हो जाता है और पता लगता है कि मामा ने ही उसका वध कर दिया भांजे का। किस तरह से दोनों श्राप देते हुए क्या कहते हैं राजा दशरथ को, मेरे श्रवण कंवर प्यारे तड़पता छोड़ चलिया बेटा, मेरे श्रवण कंवर प्यारे भटकता छोड़ चलिया को भी नहीं दिखता। अब हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा तेरे बिन, हमारी जिंदगी दूभर हो गई, मेरे लाल दूभर हो गई। मुझे भी मार मा जाए,
करम होते बुरा दिखे, जो जीते जी मरा बेटा बना मामा, जो नर मोही बना मामा, जो नर मोही कहा ये नीर भरा बेटा मेरे सर कहती है ये बहना राग लिखना।